हेलो फ्रेंड्स, आपकी फरमाइश पर बीन टोन लेके आ गया हूँ। मुकेश भैया की फरमाइश है, मुकेश गुर्जर भैया की। तो देखते हैं तीसरी गली से बाजारों में। तो हिंदी नोट्स के साथ करेंगे, उससे आप आराम से प्ले कर पाएंगे। और कर्ण स्वरों के साथ इसको बजाना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, पहला जो म्यूजिक है कर्ण सर के साथ देख लीजिए। आप कहेंगे तो इसको फर्स्ट ब्लैक पे भी बजा लेंगे। अब थर्ड ब्लैक के ग से शुरू कर रहे हैं अपन। कोई भी आप ग शुद्ध ले सकते हैं, आप कोई भी स्केल से प्ले करते हैं। पहली गली से बजाओगे तो यहां से बजेगा, और तीसरी गली से बजा रहा हूं तो मैं यहां से बजा रहा हूं ग। ग रे, तो ग आप लिख लीजिए इसको ग, फिर रे को आप कर्ण लिख दीजिए, रे कर्ण। ग रे, ग के पास रे कर्ण लिख दीजिए, ऐसे आप नोट्स बनाइए। ग रे, तो आपको पता रहेगा कर्ण स्वर कैसे बजेगा। ग बजाना है और रे कर्ण लिख लीजिए, ग रे कर्ण। फिर रे प, ग रे रे प, और प पे आप लिख लीजिए रे कर्ण वापस। तो ग रे, तो ग कर्ण, ग कर्ण, तो कर्ण स्वर आप नाम लीजिए ग कर्ण, रे प कर्ण, ग कर्ण, रे प कर्ण। और अब आपको कर्ण स्वर बजाना आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक और लेसन बना दूंगा जो इजी है, वो स्वर आप बजाइए। मैंने पहले लेसन दे चुका हूं। तो देखिए ग कर्ण रे, और इसमें मैं बीन टोन बजा रहा हूं। आप सहनाई स्ट्रिंग किसी पे भी बजा सकते, लंबी टोन होनी चाहिए, बैंजो पे नहीं बजेगी। तो ग कर्ण रे प कर्ण, फिर मैं ले रहा हूं रे ग, आप लिखते रहिए जिसे आप फर्स्ट ब्लैक पे भी बजा पाए। रे ग, रे ग, रे ग सा। तो नोट से पहली म्यूजिक का ग कर्ण, रे प कर्ण, रे ग, रे ग सा। तो देखते हो आप, दूसरा म्यूजिक प से ले रहे, प कर्ण, कर्ण अब कहां है, घ पे कर्ण। दूसरी लाइन लिख लीजिए प कर्ण, अब घ पे कर्ण, प कर्ण। तो प कर्ण रे ध, प कर्ण, कर्ण है घ पे। अब दूसरी लाइन लिखिए प कर्ण, ग लिख दीजिए, घ है कर्ण स्वर, प कर्ण, ग ध कर्ण, और कर्ण है वापस प। तो प कर्ण ग ध कर्ण, तीसरा पार्ट लिया मैंने ग प, तो प ग, ग ध प, ग प, ग प ग।
ग प ग प रे, तो दो म्यूजिक हो गए। तीसरा म्यूजिक मैंने ऐसे बजाते हुए ऐसे कर दिया, आप कोई भी पार्ट पे बजा सकते हैं इसको। मैं इसको ऐसे जब लास्ट पार्ट आएंगे ना, ठीक है। और जो तीसरा म्यूजिक जो मैंने लिया इसके अंदर, तो मैं यहां पे एक कर्ण स्वर दे रहा हूं ग कोमल के साथ, ग ग और कर्ण है ग कोमल। यहाँ पे नी कोमल, ग कण ग नी ग नी प, ग कण ग कण ग नी ग नी प। और मैंने एक फीलर लिया, ये फीलर है प द ग, तो ग कण ग द गनी धनी प धप ग, ये फीलर लिया मैंने। और यहाँ पे दो बार दे रहा हूँ, तो ये दो बार कर्ण स्वर है, ये भी ध्यान रखना। आप और भी कोई कर्ण स्वर ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ही दे रहा हूँ। यहां से ले रहे हैं, तो फिर मैं ले रहा हूं रे ग रे ग ग ग ग, फिर एक और फिलर वापस सांपे आने के लिए प ग प प ग, तो फिर नेक्स्ट है फिलर प ग रे रे ग सा। और जो थर्ड म्यूजिक वापस मैंने जो नेक्स्ट म्यूजिक लिया वो देखिए यहाँ बजा रहा हूँ, फिर उसका ये मेरा, अब मैं बजा रहा हूँ प से और यहाँ पर। तो प के बाद यहाँ पे अपने कर्ण स्वर दिया, ये म तीव्र है, प म रे ग रे ग सा, प म रे ग रे ग सा। और ओरली देख लीजिए, जिसको भी स्लो में देखना है आप फिंगर भी देख लीजिए। मैं थर्ड फिंगर मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो म्यूजिक देख लीजिए ओरली, जो कर्ण स्वरों और हिंदी नोट्स के साथ नहीं समझ पा रहे हैं वो स्लो में देख लेते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, धन्यवाद। कोई भी रिक्वेस्ट है आप कमेंट कर सकते हैं।